हेलो वेलकम फ्रेंड्स। टेबल चार्ट कैसे बनाया जाता है गूगल शीट में, आइए आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर गूगल शीट मैंने ओपन किया है, यहाँ पर ये टेबल आपको दिखाई पड़ रही होगी। ये टेबल हमने जो मैंने बनाया है, इस पर मैं बॉर्डर लगा देता हूँ। अब ये आपको और भी अच्छे से दिखाई पड़ेगी। तो ये एक टेबल हमारे पास है और इसके लिए हमें चार्ट डिज़ाइन करना है। तो चार्ट डिज़ाइन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, चार्ट डिज़ाइन करने के लिए हम इस पूरे टेबल को सिलेक्शन में ले सकते हैं कंट्रोल ए प्रेस करके। जैसे ही कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो ये टेबल आ जाएगा सिलेक्शन में। अब ये टेबल सेलेक्ट हो चुका है, हमें इंसर्ट पे जाना है सिंपली, और इंसर्ट पे जा करके ये चार्ट जो दिख रहा है यहाँ पर आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये चार्ट ऑटोमेटिकली बन करके आ जाता है। लेकिन ये टेबल चार्ट नहीं है, ये कॉलम चार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है टेबल चार्ट में, तो हमें यहाँ पे जाना है, फिर नीचे आना है, नीचे आते चले जाइए और यहाँ पर आपको ये दिखाई पड़ेगा टेबल चार्ट। तो बस आपको टेबल चार्ट पर क्लिक करना है और ये आपका टेबल चार्ट रेडी है। आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ से देखिए, यहाँ से साइज इसकी छोटी बड़ी कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो ये साइज जो है छोटी बड़ी हो जाएगी। इसे हम टेबल चार्ट के नाम से जानते हैं। ये देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आया हुआ है। यहाँ पर स्क्रॉलिंग इफेक्ट भी आपको दिख जाएगा। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से स्क्रॉल भी आप इसे कर सकते हैं। अगर आपका डेटा ज़्यादा है तो इसमें स्क्रॉलिंग इफेक्ट भी ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है, आई होप कि ये बात आपके समझ में आई होगी। देखिए स्क्रॉलिंग इफेक्ट कब आएगा, स्क्रॉलिंग इफेक्ट तब आएगा जब इस डेटा का साइज छोटा होगा। ये देखिए, ये छोटा किया मैंने, इतना छोटा किया डेटा को, अब ये स्क्रॉलिंग इफेक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से, तो आप इजीली स्क्रॉल कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।